సారం భుజగేంద్రహారం సదా వసంతం హృదయారవిందే భవం భవానీ సహితం నమామి. पार्वती बहन, आप लोगों को भी बधाई दो. जीते रहो, अखंड सौभाग्यवती हो बेटी. दूधो नहाओ पोतो फलो. चलो भाभी. हम चलते हैं. नमस्ते. 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 भाभी, भाभी मेरा नाम चंदर है. और मेरा नाम आशा. अरे तू वहां क्यों खड़ा है? इधर आ, इधर आ. ये है केतन. नमस्ते. नमस्ते बेटे. हम आपसे कुछ पूछने आए हैं. पूछो. आप हमें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगी? तुम्हारे भैया तुम्हें सुनाते हैं? हाँ. तो फिर मैं भी सुनाऊंगी. लेकिन आप हमें मारेंगी तो नहीं? तुम्हारे भैया तुम्हें मारते हैं? नहीं. तो मैं भी नहीं मारूंगी. भाभी आप सारे वही काम करेंगी जो भैया करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे भैया की परछाई हूँ. आप परछाई कैसे हो सकती है? परछाई तो काली होती है, आप तो गोरी हैं. तुम ठीक कह रही हो आशा. ये गोरी हैं इसलिए परछाई नहीं, इस घर की रोशनी है. अच्छा बच्चों जाओ, सो जाओ, भागो. बड़े प्यारे बच्चे हैं. और लगता है केतन से आपको बहुत लगाव है. हाँ सावित्री, असल में केतन मेरा सगा भाई नहीं है, मैं ही उसे इस घर में ले आया था. केतन ये सब जानता है और मैं ये नहीं चाहता कि उसे कभी याद भी आए कि वो अनाथ है. जिसके सर पे आप जैसे देवता का साया हो वो अनाथ कैसे हो सकता है?
नमस्ते पार्वती बहन। जी आप? आपने अपने बेटे की शादी चोरी चोरी कर ली, मुझे न्योता तक नहीं दिया, तो सोचा कि चलकर खुद ही बधाई दे आऊं। धन्यवाद सेठ जी। पार्वती बहन, धन्यवाद से काम को नहीं चलेगा, आज तो मैं अपना धन लेके ही जाऊंगा। धीरे बोलिए सेठ जी, बहू सुन लेगी। अरे तो सुनने दीजिए, बहू को भी तो पता चले ना कि जिस घर में वो दुल्हन बन के आई है उस घर की एक एक ईंट से करोड़ी मल के कर्जे में डूबी हुई है। सेठ जी, हम आपके कर्जदार जरूर हैं, लेकिन यकीन मानिए पैसों की फिक्र आपसे ज्यादा हमें है। थोड़ी मोहलत और दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। बस बस, बहुत दे चुका मोहलत में। तो हम भी मजबूर हैं सेठ जी, आप जो चाहे कीजिए। तो फिर ये समझ लो धनराज, तुम्हारी सुहागरात इस घर में नहीं फुटपाथ पे होगी। हाँ नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा न कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पांव पोड़ती हूँ। माँ जी, अगर पैर ही पड़ने हैं तो भगवान के पड़िए, जो सबकी सुनता है। ऐसे इंसान के पैर पड़ने से क्या फायदा जिसका भगवान सिर्फ पैसा है। ये लीजिए सेठ जी। सावित्री, ये क्या कर रही हो सावित्री? जब इस घर की मान मर्यादा ही नहीं रहेगी तो मैं इन गहनों का क्या करूंगी? आप मुझे आज्ञा दीजिए। ये लीजिए सेठ जी, और अपना कर्ज चुकता कीजिए। वाह 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 वाह, बहू हो तो ऐसी, घर में कदम रखते ही सारा कर्जा चुका दिया। पार्वती बहन, अब जी भर के शगुन मना। राधे श्याम राधे श्याम। बहू, तू साक्षात लक्ष्मी है। आज तूने इस घर की नहीं, नारी धर्म की लाज रखी है। मुझे विश्वास हो गया है कि तू इस घर की मान मर्यादा को कभी आज न आने देगी, कभी आज न आने देगी, कभी आज न आने देगी। माँ जी, माँ जी, माँ, माँ। तुम माँ को कहाँ लेके गए? माँ कहाँ चली गई? माँ भगवान के पास चली गई। तो चलो हम भी उनके पास जाते हैं। नहीं बेटा, हम वहाँ नहीं जा सकते। जो भगवान के पास जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। लेकिन भगवान तो सब कुछ कर सकता है, फिर उनके पास जिनको बुला लेता है उनको वापस क्यों नहीं भेजता? मैं माँ के पास जाती हूँ। नहीं आशा, आज से मैं ही तुम लोगों की माँ हूँ। बड़ी मुश्किल से सोए हैं, बहुत रो रहे थे बेचारे, बार बार कह रहे थे माँ को लाओ माँ को लाओ। अब मैं कहां से लाऊं माँ को? बच्चे हैं, कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे, तुम्हें ही अपनी माँ समझने लगेंगे। तो फिर मुझे एक वचन दीजिए। बोलो। आपके इस वचन को मैं सुहागरात की अनमोल भेंट समझूंगी। मैं कभी मां नहीं बनूंगी। सावित्री, ये तुमने क्या मांग लिया? मां बनना तो नारी का सबसे बड़ा सपना होता है,
वो सपना तो मेरा पूरा हो गया। अब मैं इन बच्चों की मां बन गई। किसी और संतान को जन्म देके मैं अपनी ममता को बांटना नहीं चाहती। सावित्री, तुम ममता और त्याग की देवी हो। यहां आकर तुमने इस घर को मंदिर बना दिया है। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है मेरा घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। तुम्हारा प्यार।
एक दो तीन चार। पिताजी ये क्या है? दूध और क्या है? मैंने कब कहा ये पानी है, लेकिन चार बूंद क्यों? ये मालूम नहीं किसकी औलाद मेरे घर में पैदा हो गई है। आप दौलत की दीमक, जब चार बूंद दूध से काम चल सकता है तो ज्यादा डालने की क्या जरूरत है? बापू, अगर दुनिया भर के कंजूसों का मुकाबला रखा जाए तो आपको 100% वर्ल्ड चैंपियन का इनाम मिलेगा। कम से कम वर्ल्ड चैंपियन का तो इनाम मिलेगा ना, तेरे को तो वो भी नहीं मिलेगा। मर गया। मैं जाऊं? तू पिछले जन्म में कुत्ता था क्या? हाँ। जो बीवी की आवाज सुनती है फट 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 दूध मिलाने लग जाता है। वो मैं जाऊं? शर्म नहीं आती? आती है थोड़ी सी। ये ईमान से मेरी औलाद नहीं है। नहीं, शीला ये लो टॉवल। अरे 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 क्या 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 कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, चुप रहो। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, चुप रहो। नहीं 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 नहीं, जी क्या हा? अबे ये क्या कपड़े के साथ नहीं रहा था? वो हैंडपंप खराब हो गया, वो डंडा हिलाते हिलाते टूट गया। अबे गधे की औलाद, अगर तू हैंडपंप नहीं चला सकता तो जिंदगी की गाड़ी क्या खाक चलाएगा? अच्छा देखो, कबाड़ में नीचे वाले खाने में मेरे बाप के पुराने कपड़े रखे हैं, वो पहने वाला सर्दी लग जाएगी। सर्दी और इस घर में, इस घर के सामने से फकीर गुजरते हुए डरते, सर्दी क्या खाक आएगी? मैं क्या बोला? मैं कुछ नहीं बोला। बाप रे, मर गया। पिताजी मर गया। मुझे 2000 रुपए दीजिए। 2000? साड़ी तो तूने पहनी, 1000 का क्या करेगी? 1000 नहीं, 2000। 2000? किस 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 खुशी में? 1,00,000 का दहेज मैं अपने साथ लाई थी, वो तो आपने रख लिया। अब 2% के हिसाब से आपको मुझे उसका ब्याज हर महीने देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो नहीं तो आपके इस बेटे पर मिट्टी का तेल छिड़क कर इसे जिंदा जला डालूंगी। देखो बेटी, ये तो तुम्हारा जुल्म है, सरासर नाइंसाफी है। इसको जलाना तो इस पर घास डाल के जलाओ ना, पेपर डाल के जलाओ ना, इस पर घासलेट लगा के जला के मेरा नुकसान क्यों करना चाहती हो तुम? मैं जल गया तो चलेगा, घासलेट का नुकसान हुआ तो नहीं चलेगा। अरे तेरे जैसा बेटा तो किधर भी मिलेगा, घासलेट किधर से मिलेगा? महंगाई कितनी बढ़ गई मालूम? मुझे आप पैसे देते हैं या नहीं? देता हूँ भाई, चोर की औलाद। एक कम चलेगा? 2000 लेना। बहादुर, मेरा नाश्ता लेकर रूम में आ जाना। अभी लाया। जाऊं? तेरे को तेरे बाप की कसम, एक बात बता, तू किसकी औलाद है यार? आपका क्या ख्याल है? निकल निकल बाहर। तेरे को मालूम है भगवान ही किसकी औलाद है? नहीं ना, मेरे को भी नहीं मालूम। पिताजी, वो मेरा वीजा और पासपोर्ट का काम हो गया है, आप सिर्फ 15,000 रुपए भरने हैं। आज का दिन कितना मनहूस है, जो आता पैसे की बात करता है। लेकिन पिताजी, मैं ये पैसे तो ब्याज समेत कमाकर आपको वापस कर दूंगा। सब ऐसे ही बोलते हैं, कोई लौटाता नहीं। मेरे पहले तेरे ऊपर 4,00,000 रुपए निकलते, पहले वो तो लौटा। कौन से 4,00,000 रुपए? अरे तेरे पैदा होने से लेकर अब तक तेरे खिलाना पिलाना बड़ा करना, उस पर 4,00,000 रुपए खर्च हो, सब ये डायरी में लिखा हुआ है। बोला, अरे ऐसा नहीं हो सकता कि तू अमेरिका जाए, पढ़ाई करे, लिखाई करे, वापस लौटाए, फिर मैं तेरे को 15,000 दूं? जैसे पहले माल आता है अपन बिल्टी बाद में छुड़ाते हैं। आप जैसे पैसों का पुजारी हमने नहीं देखा पिताजी। नहीं देखा ना, तो आज देख लेना। देखा, जा।
15,000 चाहिए। अरे अमर तू देख के नहीं चलती? हाँ? भगवान ने आंखें नहीं दी जो बेकाबू ट्रक की तरह किसी से भी टकराती फिरती हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम अगर 100 मील की रफ्तार से भागोगे तो एक्सीडेंट होगा ही। ब्रेक 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 ब्रेक। दरअसल इस एक्सीडेंट की वजह है वाहन गमन आगमन संकेतक। मतलब? मतलब सिग्नल। ना तुमने सिग्नल देखा ना इसने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। अच्छा अमर, अमेरिका कब जा रहे हो? परसों। तो आज का हमारा आशीर्वाद लेने आए हो? जी नहीं, आपका नहीं, भैया भाभी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। हाँ तो जाओ अंदर, दोनों भैया भाभी बैठे। हाँ जा, 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 जा। चार दिनों तक कहाँ थे? तुम तो जानती हो मैं अमेरिका जा रहा हूँ, उसी में बिजी था। क्या 2 मिनट का भी वक्त नहीं मिला मुझसे मिलने के लिए? आज वक्त मिला तो आ गए आपके दर्शन के लिए। इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? होगा कहाँ से, घर गिरवी रखूंगा और क्या। नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। एक बार रखा था तो माजी की जान चली गई। सावित्री आप समझते क्यों नहीं, घर औरत के लिए एक मंदिर होता है जहाँ वो अपने श्रद्धा के दीप जलाए, आशाओं के उजाले में मुसीबतों का सामना करती है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, इस घर को गिरवी रखने का सोचिए भी मत, आपको मेरी कसम। इतनी छोटी सी बात के लिए कितनी बड़ी कसम दे दी तुमने। अच्छा बाबा नहीं रखूंगा बस। भैया आओ आओ। अमर कैसे हो? परसों अमेरिका जा रहा हूं, बस आपका आशीर्वाद। अरे जीते रहो जीते रहो जीते रहो, अमेरिका से बहुत बड़े डॉक्टर बनकर लौटना। लेकिन लौटना जरूर। हाँ अच्छा सावित्री तुम अमर को चाय वाय पिलाओ, मैं चलता हूँ। अरे आशा अमर के लिए चाय ले आना। अरे भाई धनराज, साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने ही तुम एडवांस मांगते रहते हो, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ लेकिन इस बार बहुत सख्त जरूरत है सेठ जी, भाइयों को पढ़ाने के लिए हॉस्टल भेजना है। कर्ज मांग मांग कर भाइयों को पढ़ाने की क्या जरूरत है, छुड़ा के नहीं देते उनकी पढ़ाई। नहीं नहीं ऐसा ना कहिए सेठ जी, वो मेरे भाई नहीं मेरे बेटे हैं, और अपने बेटों का भविष्य बनाने के लिए कर्ज तो क्या, मुझे भीख मांगनी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है ठीक है, लेकिन धनराज इस बार से मैं तुम्हारी 100 रुपया महीना नहीं, इस बार मैं तुम्हारी आधी तनख्वाह काटूंगा। बेशक आधी तनख्वाह काट लीजिए सेठ जी, लेकिन इस बार मेरी जरूरत पूरी कीजिए। जाओ जाकर कैशियर से ले लो। जीते रहो बच्चों और कामयाब होके वापस आओ। पर हाँ ये तुम्हारे पैसे। भैया हम जानते हैं आप कितनी मुसीबतों से हमें पढ़ा रहे हैं, आपकी आधी से ज्यादा कमाई तो हम दोनों पे खर्च हो जाती है। मेरी असली कमाई तो तुम लोग हो, तुम लोग पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो मैं समझूंगा मैंने सब कुछ पा लिया। भैया हम आपके सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बच्चों। ये रहा तुम दोनों के खाने पीने का सामान, और हॉस्टल में अपना ख्याल रखना। अच्छा भाभी जीते रहो। भाभी जीते रहो। ए आशा की बच्ची, अरे तू रो क्यों रही है? अरे हम लोग जा रहे हैं ना, हमारे जाने के बाद ये झगड़ा किससे करेगी इसलिए रो रही है। तो ठीक है हम नहीं जाते भाई। मैं जाने से थोड़ी रोकती हूँ, लेकिन रक्षाबंधन के दिन तुम लोग नहीं आए तो। अरे कैसे नहीं आएंगे? अरे हम अपनी बहन से राखी बंधवाने सर के बल चल के आएंगे। हाँ चल भी मुस्कुरा दे, चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। लेडीज जेंटलमैन एंड फ्रेंड्स, आप मिस चंदा को देखना चाहते हैं और मैं दीवार नहीं बनना चाहता, सिर्फ आप लोगों से एक गुजारिश है, जब आपका दिल खुश हो जाए तो जी खोल का दान दीजिए, डोनेशन दीजिए हमारे कॉलेज की नई इमारत के लिए जिसकी खातिर यह चैरिटी शो किया जा रहा है। लिहाजा मिस चंदा।
छुपा के मैंने तो सबकी नजर से छुपा के रखी थी कोरी उमरिया बचाओ के लुट ले जाओ कहीं ससुराल जाओगे हाय राम लुट ले जाओ कहीं ससुराल जाओगे दिल मेरा कांपे थर थर हाय हाय रे थर थर हो भाभी हम न जइबे बलम घर हो भाभी हम न जइबे बलम घर हो हम न जइबे बलम घर हो भाभी हम न जइबे बलम घर हो ऑटोग्राफ प्लीज Very good performance. Thank you. Chandar? Excuse me. Dance अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगा. और गाना? वो भी अच्छा लगा. और मैं? तुम्हें और कुछ कहना? चंदर, मैं जितना तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ तुम उतना ही मुझसे दूर भागते हो आखिर क्या कमी है मुझ में कमी तुम में नहीं चंदा कमी तो मुझ में चंदर आज तुम्हें ये बताना ही होगा आखिर तुम ऐसे क्यों करते हो देखो चंदा एक ग्लास में दरिया भरा जा सकता नहीं ना छलक जाएगा ना मेरा एक छोटा सा घर है उसमें तुम नहीं समा सकोगी मतलब तुम एक लखपति बाप की बेटी हो और मैं एक गरीब घर का लड़का हूं तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं हेलो चंदर ओ हाय विकी हाय कैसे हो यार मियां आज बहुत तारीफ किया जा रहा था चंदा की तुम हा? और तुमने सब हिसाब बराबर कर दिया क्यों उस बेचारी की इतनी बेइज्जती करते हो यार तुम्हें क्यों तरस आ रहा उस बेचारी पर मियां तुम्हारे दिल बिल का मौसम वौसम तो ठीक है ना अरे मौसम तो सब तुम्हारे बिगड़े हुए हैं दोस्त एक बात बताओ वो तुम पर इतनी पागल कैसे हुई बहुत मामूली सी बात है एक दिन बचाओ! बचाओ! हादसे के बाद वो मुझसे मोहब्बत करने लगी चंदर हो सकता है वो हादसा ही मोहब्बत की वजह बना हो और फिर इसमें हर्जी क्या है चंदा पढ़ी लिखी है हसीन है पैसे वाली है तुम उसका हाथ क्यों नहीं थाम लेते यार बेवकूफी की बात मत कर मेरे घर की हालत ऐसी नहीं जो मैं चंदा की जरूरतें पूरी कर सकूं वो लड़की मखमली गद्दे और एयरकंडीशन कमरे में सोने वाली है मेरे छोटे से घर पर नहीं रह सकेगी और फिर जब घी के निवाले छोड़कर सूखे टुकड़े निकलने पड़ते ना
तब सर से मोहब्बत का भूत उतर जाता है। चंदर, हो सकता है वो तुम्हारी गरीबी को अपना भी ले। चंदर, वो तुमसे बेहद मोहब्बत करती है। मोहब्बत अंधी ही नहीं, दीवानी भी होती है, और कभी कभी इस दीवानेपन में लोग अपनी जान भी दे देते हैं। छोड़े यार इन बातों को, ये सब किताबी बातें हैं। ये क्या है? ये फूल मेरा हमनसीब है, ये भी मेरी तरह किसी के गले का हार बनने को तरस रहा है। चंदा, चंदर, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ गुजारा कर लूंगी, मुझे अपना लो। अब मुझसे सबर नहीं होता चंदर। चंदा, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है कि ये नामुमकिन है। तो फिर मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो चंदर। अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की तो मैं इस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मोहब्बत अंधी ही नहीं, दीवानी भी होती है, और कभी कभी इस दीवानेपन में लोग अपनी जान भी दे देते हैं। चंदा, चंदा, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, कजरा
अरे सावित्री कहाँ हो तुम? मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन आप इतनी रात गए तक कहाँ थे? अरे वो बच्चों की पढ़ाई के लिए सेठ जी ने कर्जा दिया था ना, सो कहने लगे भाई इस महीने से हम तुम्हारी आधी तनख्वाह काट लेंगे। तो हमने कहा चलिए काट लीजिए। अरे आप भी क्या याद करेंगे किस रईस से पाला पड़ा है। ये मेरी बात का जवाब नहीं, कई दिनों से देख रही हूँ आप रोज देर से लौटते हैं, कहाँ रहते इतनी रात तक? हाँ अरे वो बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए थे सावित्री, हमारा काम कर दो हमारा काम कर दो, मैं भी तंग आ गया था, मैंने सबको थोड़ा थोड़ा समय दे दिया बस। इसका मतलब है आपने पार्ट टाइम काम शुरू किया? अरे पा... ये लीजिए। आपको सबका ख्याल है, अपनी सेहत का कोई ख्याल नहीं, भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो मैं अकेली क्या करूंगी? चुकिया सुकिया, लेकिन कल से आपका पार्ट टाइम काम बंद। हाँ, पार्ट टाइम काम बंद, केतन और चंद्र की पढ़ाई बंद, आशा की शादी के बारे में सोचना बंद। साहब घर नहीं जाना है, 10 बज गए। लीजिए सिलाई के पैसे। अच्छा मैं चलती हूं। नमस्ते। 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 ये सब क्या है सावित्री? मेरे पीछे भी सारे मोहल्ले वाले लगे थे, हमारे कपड़े सी दो हमारे कपड़े सी दो, मैंने भी तंग आकर उनकी बात रख ली। मेरा ही तीर लौटाकर मुझे मार रही हो। आखिर पत्नी किसकी हूं? अच्छा पत्नी जी ये बताओ कि मेरे होते हुए ये काम करने की इजाजत आपको दी किसने? क्यों, क्या ये घर सिर्फ आपका है? इस घर की सारी जिम्मेदारियां सिर्फ आपकी है? नहीं, अगर आप इस घर के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हैं तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता? लेकिन सावित्री। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। अच्छा बाबा जो ठीक समझो करो बस। सुनिए केतन की चिट्ठी आई है। क्या? उन्होंने इम्तिहान की फीस के लिए 4,000 रुपए मांगे हैं, इतने सारे पैसों का कहां से इंतजाम होगा? फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से तुम पढ़ाई छोड़कर कहीं और ध्यान दे रहे हो। क्या यह सब तेरी किताब में लिखा है? यह मजाक की बात नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि भैया और भाभी हमें कितनी मुश्किलों से पढ़ा रहे हैं, उन्हें कितनी उम्मीदें वाबस्ता है हमसे, और तुम इश्क में पढ़कर उन सारी उम्मीदों पर पानी फेरना चाहते हो। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे भैया और भाभी की उम्मीदों पर पानी फिर जाए, और रही बात पढ़ाई की सो तो मैं कर ही रहा हूं। केतन,
मेरा इश्क न पढ़ाई के आड़े आया है और न ही आएगा। चंदर भैया, जहां इश्क अपना डेरा लगा लेता है ना, वहां वो अपने सिवा किसी को रहने नहीं देता। और इन पैसे वाली लड़कियों के लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ अपने दिल बहलाने का सामान, बस। नहीं केतन, चंदा उन लड़कियों में से नहीं है, वो मुझे दिल से चाहती है। भैया, कड़की में दोस्त का, लॉन्ड्री में कपड़े का और प्यार में छोकरी का कोई भरोसा नहीं। आगे तुम समझदार हो। ऑल द बेस्ट। अरे हाँ, ये जो तुम्हारे नए रिश्ते का बंधन तुम्हें खुशी दे रहा है, उसमें मेरी छोटी सी बहन के बंधन को मत भूल जाना। कल रक्षाबंधन है और हमें वहां पे जाना है, ओके? मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। दिन रात देखे अनेक सपना, जब तेरी बारात आएगी अंगना। दिन रात देखे अनेक सपना, जब तेरी बारात आएगी अंगना। हीरे माफी तुझ पे लुटा के, हीरे माफी तुझ पे लुटा के, चांद तारों से डोली सजाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हम एक डाल के फूल है सारे, एक दूजे को जान से प्यारे। ओ हम एक डाल के फूल है सारे, एक दूजे को जान से प्यारे। प्यार का बंधन प्रीत की डोरी, प्यार का बंधन प्रीत की डोरी, कोई कैसे कभी तोड़ पाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। जाए सारी उम्र तू यूं ही मुस्कुराए। तू पास हो या दूर कहीं जाए, सारी उम्र तू यूं ही मुस्कुराए। तुझ पे कभी जो कोई आंच आए, तुझ पे कभी जो कोई आंच आए, जान तेरी खुशी पे लुटाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा।
तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। जब सताता है तेरी यादों का गम, झूम लेते हैं तेरी तस्वीर हम। पहले मजनू को था, अब है लैला को गम। दौर आया है कैसा, खुदा की कसम। अरे शीला, तू कब आई? बहुत साल पहले आई, लेकिन यार बड़े गलत वक्त पर मैंने डिस्टर्ब किया। अरे छोड़ यार, ये बता तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू ये गुल कब से खिला रही है? चुपके चुपके इश्क कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे तूने भी तो चुपके चुपके शादी कर ली, हमें बुलाया तक नहीं। अरे वो मामला तो जल्दबाजी में हो गया, लेकिन तू नाराज नहीं होना, मैं तेरे लिए मिठाई लाई हूँ। चलो माफ कर दिया। अच्छा ये बता, तेरा मियाँ कैसा है? बिल्कुल वैसा जैसे मैं चाहती थी, मेरे हुक्म का गुलाम। मैं कहती हूँ बैठ तो बैठ जाता है, मैं कहती हूँ खड़ा हो तो खड़ा हो जाता है। इसका मतलब तू उसे अपने इशारों पे नचाती है? अरे अगर मैं उसे ना नचाती तो वो मुझे अपने उंगलियों पे नचाता। नाम मालूम है उसका? क्या है? बहादुर। बहादुर का हिसाब एकदम पक्का होता है भाभी। ये लीजिए, ये सिलाई के पैसे, ये और ये कपड़े, जल्दी से सी दीजिएगा। तू हमारे लिए कितनी तकलीफ उठाता है। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है भाभी, जैसा केतन और चंद्र वैसा मैं। अरे हाँ, कहाँ गया? हाँ भाभी, इसके ब्लाउज बना लेना। किसके है रे? शीला के। तू शीला से बहुत प्यार करता है ना? ऐसी बात नहीं है भाभी, पति को पत्नी का ख्याल रखना ही पड़ता है। अब मैं ही तो सहारा हूं उसका, मैं नहीं ख्याल रखूंगा तो कौन रखेगा? ऐसी बात है ना? वो तो है। ब्लाउज बना देना। हाँ हाँ बाबा, बना दूंगी। अच्छा मैं चलता हूँ। क्यों भाई बहादुर, बहुत जल्दी में हो, क्या बात है? हाँ भाई बहुत देर हो गई, बैठने की भी फुर्सत नहीं है, घर भी पहुँचना है, शीला भी आ गई होगी। क्यों डरते हो क्या अपनी बीवी से? कौन डरता है? मैं? हाँ? उल्टा वही मुझसे डरती है, मेरे आंखों में गुस्से की लाली देख के उसके चेहरे पर दहशत का पीलापन छा जाता है, मेरे कदमों की आड़ सुनते वो ऐसे कांपती है, ऐसे कांपती है जैसे भूचाल से जमीन। क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं है? लेकिन ये अच्छा नहीं है, मतलब बीवी को इस तरह डरा के नहीं रखना चाहिए। हाँ ये भी अच्छा नहीं। हाँ अरे लेकिन वो मर्द ही क्या जो बीवी की लगाम खींच के ना रख सके। अगर मैं धूप में खड़ा कर दूं उसे, दिन भर खड़ी रहती है वो। जानते हो मेरा नाम क्या है? बहादुर। आ गई। आ गई कहाँ है वो? करा रहे हो? हेलो। विक्की का हाथ जल गया। क्या? जल्दी आइए। मैं भी आया। सेठ जी अकाउंट की फाइल लाया हूं। वहां रख दो। सेठ जी मुझे आपसे कुछ कहना है। ओहो जल्दी बोलो धनराज। वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। धनराज उधर मेरी बेटी का हाथ जल गया है और तुम्हें पैसों की पड़ी है? बर्तन का मुंह खुला हो तो कुत्ते को शर्म आनी चाहिए। आज के बाद फिर कभी तुमने एडवांस मांगा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हैं आप। तुम तो जानती हो सावित्री, परसों बच्चों को वापस जाना है और उनकी फीस का बंदोबस्त आज तक नहीं हुआ। दिन भर भटकता रहा मैं, बड़े बेदर्द हैं ये दुनिया वाले। किसी से क्या गिला करना, ये तो दुनिया का दस्तूर है।
जरूरतमंद इंसान और गिरती हुई दीवार से लोग हमेशा बचकर निकलते हैं। ये लीजिए, इन्हें गिरवी रख दीजिए। अरे ये क्या, ये तो तुम्हारे सुहाग की निशानी है सावित्री। मेरे सुहाग की निशानी मेरे सुहाग के काम ना आएगी तो किसके काम आएगी? लीजिए। लेकिन इससे तो शायद किसी एक को पढ़ाया जा सकता है, या तो केतन को या तो चंदर को। तो ऐसा करते हैं, चंदर को नहीं जाने देते, केतन की पढ़ाई जारी रखते हैं। कहीं उस बच्चे के मन में यह ख्याल ना आ जाए कि अपने सगे भाई को पढ़ा लिया और मुझे इसलिए रहने दिया कि मैं पराया हूं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो सावित्री, ठीक कह रही हो। अब चिंता मत कीजिए भाभी जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ, मुझे अपनी मौत का दुख नहीं है भाई साहब, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी मौत आ गई है। अब आपका हम लोगों पर बहुत उपकार है, एक बोझ और आप पर डालकर जा रही हूँ। मेरे बाद मेरे मेरे केतन को। भाभी जी, क्या हुआ मेरी माँ को? मेरी माँ बोलती क्यों नहीं? आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटे, और मैं ही तुम्हारा बाप। डॉक्टर साहब जल्दी कुछ दीजिए, मैं दर्द से मारा जा रहा हूं डॉक्टर साहब। घबरा मत बेटे, जल्दी ठीक हो जाओगे। ये गोलियां हैं, इनमें से एक अभी दे दीजिए, ठंडे दूध के साथ आराम मिलेगा। बाकी चार चार घंटे पर देती रहिए। आशा, डॉक्टर साहब इसे क्या हो गया है? अभी कुछ ठीक से कह नहीं सकता, इनके पेट का एक्सरे लेना पड़ेगा। वैसे इनके खाने पीने का खास ख्याल रखिएगा। अरे डॉक्टर साहब, आप क्या बात है जी? वो केतन की तबीयत बहुत खराब है, उसका एक्सरे लेना पड़ेगा। बहुत दर्द हो रहा है केतन। भैया बहुत दर्द हो रहा है। सब्र से काम लो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल तुम्हें वापस जाना है ना? नहीं 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 भैया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा। आप चंदर भैया को भेज दीजिए। हाँ नहीं केतन, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। चंदर भैया कैसी बातें कर रहे हो? कितने तूफानों का सामना करके भैया और भाभी की उम्मीदों की कश्ती किनारे पहुंची है, तुम क्या चाहते हो कि वो डूब जाए? लेकिन केतन। नहीं चंद्र भैया, तुम्हें तुम्हें मेरी कसम। केतन
आजकल तू दिन भर कहाँ गायब रहता है? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आंखें बंद करो। क्यों? बोलता हूँ वो करती नहीं हो, पूछती रहती हो क्यों? आंखें बंद करो। अच्छा बाबा लो। अब हाथ आके करो, दोनों एक साथ। इतने सारे रुपए तेरे पास कहां से आए? भाभी मैंने नौकरी कर ली। नौकरी? हाँ भाभी, सोचा था कि अपनी पहली तनख्वाह तुम्हारे हाथ में रख दूंगा, लेकिन फिर तुम्हारी सोनी कलाइयों का ख्याल आ गया। भाभी केतन, तूने चंदर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। भाभी चंदर भैया का इस घर पे पहला हक है, भगवान करे वो कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचे। मेरा क्या, मैं तो अनाथ, आप लोग मुझे घर लाए, अपने ममता की आंचल में छुपा लिया। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि आपकी और भैया की जिंदगी भर सेवा करता रहूं। बस ठीक है, मैं जानता हूं भैया आप मुझसे नाराज हैं। नहीं केतन, अरे नाराज तो मैं अपने आप से हूं। मेरी वजह से तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी, मेरी वजह से इस घर की लक्ष्मी के सुहाग की निशानी भी गिरवी हो गई। भैया, अरे केतन, जिंदगी भर मैं सपने ही देखता रहा, सपने बुनता रहा, सपने समेटता रहा, पर तुम लोगों की झोली में भी मैंने सिर्फ सपने ही डाले हैं। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सपनों के सिवा और था ही क्या? भैया आपके सपनों ने ही तो हमें प्रेरणा दी है, और फिर अब तो आपके सपनों के साकार होने का वक्त आ गया है। प्रार्थना कीजिए कि चंदर भैया अच्छे नंबरों से पास हो जाए। चंदर, मैं सारे कॉलेज में तुम्हें ढूंढती फिर रही और तुम यहाँ बैठे हुए हो। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या क्या, तुम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हो। सच? ये देखो पेपर। एक मिनट, ये मेरे पास भी है। पेज पेज पेज, पेज कौन सा है? ये देखो चंदा, चंदा इसमें मेरा फोटो भी है। आज तुम्हें साथ चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। अरे माँ, ये चंदर है, पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया है। नमस्ते माँ जी। मुबारक हो बेटे। इस मुबारकबाद के हकदार तो मेरे भैया और भाभी हैं। ये रिजल्ट मेरी पढ़ाई का नहीं बल्कि उनकी मेहनत और तपस्या का है। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। अरे मुंह तो मीठा करके जाओ बेटे। मिठाई फिर कभी खा लूंगा, इस वक्त भैया और भाभी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा जी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जल्दी लौट आना। सच बताओ माँ, तुम्हें चंद्र कैसा लगा? बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ाई में भी तेज है, यूनिवर्सिटी में भी अव्वल आया है। हमें ऐसे ही होनहार लड़के की जरूरत है। सच माँ? शाबाश बेटा, भगवान, सुना तुमने, मैंने कहा था ना कि हमारा चंद्र सूरज की तरह चमकेगा। अब ढेर सारी मिठाई मंगाओ और सारे मोहल्ले में बांट दो, खुशियां मनाओ कि हमारा चंदर पास हो गया। अब ये बड़ा अफसर बनेगा, बहुत सारी खुशियां आएंगी, अब तुम्हें मशीन चलाने की जरूरत नहीं। अरे भैया, मशीन तो मशीन, भाभी को अभी चूल्हा फूंकने की भी जरूरत नहीं। करेक्ट, क्योंकि सबसे पहले चंदर भैया की शादी कर देंगे, खूब खुशियां मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। क्यों आशा? हां भैया, केतन भैया बता रहे थे तुम्हारी लव स्टोरी की बात कुछ आगे बढ़ी या नहीं। शैतान की नानी, शैतान की नानी, इधर आओ, कहाँ जा रही हो तुम?
माँ जी आप? क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं, आइए ना, आइए। चलो। ये मेरे भैया और भाभी हैं, और भैया ये। मैं चंदा की माँ हूँ। चंदा? भैया, चंदर भैया और चंदा दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, आइए आइए बैठिए ना। कहिए कैसे आना हुआ? चंदर आप लोगों की बहुत तारीफ करता है, कितनी तकलीफों से आप लोगों ने उसे पढ़ाया लिखाया। ये तो हमारा फर्ज था। काफी रुपए खर्च किए होंगे आपने चंदर की पढ़ाई पर। रातों की नींद और दिन का आराम खर्च किया है, अपना खून पसीना खर्च करके इस पौधे को सींचा है हमने। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? मेरी बहुत बड़ी मिल्कियत है, फार्म्स हैं। भगवान ने मुझे एक ही बेटी दी है, बड़े लाड़ प्यार से मैंने उसे पाला है। चंदर को वो बहुत पसंद करती है। अगर आप बुरा न माने तो मैं मेरा सारा कारोबार चंदर को सौंपना चाहती हूँ। तो आप चंदर को खरीदना चाहती है? नहीं, मैं चाहती हूँ कि चंदर राजाओं की तरह जिंदगी बसर करे। देखिए, ससुराल की दौलत पर राज करना हमारे घर की रीत नहीं है। जहाँ हमने चंदर को अच्छी शिक्षा दी है वहां उसे अच्छे संस्कार भी दिए हैं। और फिर चंदर की फिक्र करने की आपको क्या जरूरत है? हम लोग जो हैं। बुरा मत मानिए, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा अपनी बेटी के भविष्य के लिए कहा। कौन माँ ये नहीं चाहती कि अपनी बेटी सुखी हो? बेटी का सुख दौलत में नहीं, उसके पति की मान और मर्यादा में होता है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने अपना स्वाभिमान कभी नहीं बेचा। आपने हमारे घर की हालत तो देख ही ली, इसके बावजूद भी अगर आपकी बेटी यहां रहना पसंद करे तो ये रिश्ता हमें मंजूर है। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये तो क्या कह रहा है चंदर? हाँ भाभी, मैं ठीक कह रहा हूं। मां जी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आप हमारे ही घर में आकर हमारी बेइज्जती करेंगे। आपने ये कैसे सोच लिया था कि मैं आपकी दौलत के लालच में आकर अपने भैया और भाभी को छोड़ दूंगा? अरे मेरे खून के एक एक कतरे में इन दोनों के प्यार की मोहर लगी हुई है। मैं स्वर्ग के सारे सुख छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने भैया और भाभी को नहीं छोड़ सकता। मेहरबानी करके यहां से चले जाइए आप। चंदर। शाबाश बेटा, तू यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया ही है, मेरे इम्तिहान में भी पास हो गया। अब मुझे यकीन हो गया कि जिस घर में ऐसी प्रेम की गंगा बहती है उस घर में मेरी बेटी कभी दुखी नहीं हो सकती। मुझे रिश्ता मंजूर है। अच्छा, मैं चलती हूं। चंदर। हाँ भैया। आई भगवान, इतने बड़े घर से रिश्ता तो हमने जोड़ लिया, लेकिन यह सब होगा कैसे? ऊपर से तुमने ये घर गिरवी न रखने का वचन लेकर हमारे हाथ पांव बांध दिए, वरना आज ये मकान गिरवी रखकर हम अपनी बहू के लिए गहने बनवा लेते, बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करते। ठीक है, बहुत हिम्मत करके आई हूँ सेठ जी, इस वक्त पैसों से आप ही मदद कर सकते हैं। अरे सावित्री, पैसे वैसे कहाँ है मेरे पास? पैसों का तो टोटा ही टोटा है। आप शायद गलत समझ रहे हैं सेठ जी, मुझे 100-200 नहीं, कम से कम 1,00,000 रुपया चाहिए। हैं? क्या बात कर रही है तू? अरे तेरी बात सुन के मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। बदले में अपना पुश्तैनी मकान गिरवी रख दूंगी। जो बात पहले बोलनी चाहिए थी वो बाद में बोल रही है, है? पट्टा टलाई क्या, कागज पत्तर? जी हाँ, ये लीजिए। तो रुपया भी तैयार है, ले यहाँ सही कर दे। कहाँ करूँ सेठ जी? यहाँ कर दे, बाकी खाना पूरी मैं कर लूंगा। कहाँ गई थी? आप रोज इस वक्त आते, मैंने आपसे कभी सवाल किया है?
अरे भाई बताओ ना कहाँ गई थी। आपका वचन गिरवी रखकर अपने बेटे की खुशियां लेने गई थी। यानी thank you.
तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं। ठीक है बाबा, ये हमारी पहली रात है, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना। कमाल है, शादी हम दोनों की हुई है, मेरे अकेले की नहीं। जो मैं बकबक किए जा रहे हो तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। शादी से पहले तो तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती थी, लेकिन अब क्या हुआ मैडम? भैया, अरे मुझे तो लगता है भाभी गूंगी है। लेकिन आशा तू यहाँ क्या कर रही? भाभी, भैया तो रात भर बकते रहेंगे। चलिए मैं ही आपका घूंघट हटा देती हूँ। हाउ स्वीट, गुड नाइट। गुड नाइट। बड़ी शरारती है ये। क्या हुआ? मुझे ऐसी बेहुदा हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। जाने दो, बच्ची है और फिर हमारी लाडली जो ठहरी। कुछ भी हो, तुम्हारे मेरे बीच कोई तीसरा आए ये मैं कभी पसंद नहीं करूंगी। चंदा छोड़ दो ये गुस्सा ना, आज हमारी सुहागरात है, तुम्हें आज रात को ये नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? प्यार। संभल के, संभल के, संभल के। बहादुर, ओ बहादुर, बहादुर, क्या हुआ? बहादुर संभल के, बहादुर। बहादुर, लॉटरी खुल गई, लगता है बुढ़ा मर गया। क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं कुछ नहीं, सेठ लक्ष्मी राज जी के घर पे खाने पे गए थे तो फिर इतना खा लिया, इतना खा लिया। आगे क्या हुआ? बस अंतिम दर्शन कर लो। इसका मतलब ये अभी तक मरा नहीं? क्या मतलब? तेरे के, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। कमाल है ये बुढ़ा खुसड़ बड़ी चालू चीज है, ऐसे खाना खा के मरने वाला आदमी नहीं। अरे तुम आदमी हो के पैदा माओ यार है, अपने सगे बाप के लिए ऐसे कहते हो, तुम्हें पाप लगेगा। शर्त लगाते हैं, अगर ये बुढ़ा आज मर गया तो मेरी तरफ से आपको एक मारुति कार भेंट। मारुति? क्या कहा, क्या कहा? मारुति कार। मारुति कार, प्रॉमिस करते हो? देखो मैं अपना एड्रेस यहीं छोड़ के जाता हूँ, अगर ये मर गया तो कार मेरे घर पे भेज देना। चलो भाई चलो चलो चलो, मैं तुम्हें भी लिफ्ट दूंगा। चलो 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 चलो। शीला, अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये बुढ़ा फूल कैसे गया? ये खाने में डूब के मरा क्या? अरे इन्हें क्या हो गया? शीला, सारे मोहल्ले में मिठाइयां बांटो, खुशी के दीप जलाओ, ये बुढ़ा आज मरने वाला है। क्या? अब हम गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, सारी दुनिया खरीद लेंगे। तुम जो चाहोगी वो होगा। तुम्हारे बाप का राज है क्या? तुम जरा चुप रहो, करंट लगाना। मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे 10 को मार के मरूंगा, पूरा मोहल्ला खाली करके मरूंगा। और तुम खुशियां मत मनाओ, जाओ जाके थाली लेकर आओ। थाली? हाँ, वो क्या, जहाँ मैं खाना खाने को गया था वहाँ मैं खा कम रहा था, चुरा ज्यादा रहा था। आदत से मजबूर है। हाँ, ये देखो, कहीं पकड़ा ना जाऊं इसीलिए मैंने मरने का ढोंग किया। मेरा बंगला गया, अभी तू भी जाएगा, तेरे सारे अरमानों का खून हो गया, अभी तेरा भी खून हो जाएगा। ये देखो और देखो, ये ले, अब 3 दिन घर में खाना नहीं पकेगा। जाओ, देखा, तू भले मेरा बेटा ना हो मगर मैं तेरा बाप हूँ। अब मारुति कार तो एक तरफ, तुझे बाप रोती कार भी नहीं मिलेगी। एक बात पूछूं? क्या? आप सचमुच मेरे बाप है क्या? अगर जवाब नहीं देना है तो मत दीजिए। मेरा कुत्ता मुझे पे बोल रहा है। आगे बताइएगा, आगे बताइएगा। आशा, कहिए भाभी, अभी तक मेरी बेटी नहीं आई। भाभी, इस घर की रीत है पहले पूजा पाठ फिर जलपान। चलो चलकर। अरे आशा, चलो ना। आशा ये क्या कर रही हो? आशा, अरे मेरा हाथ तो छोड़ो। मेरा तो सिर फटा जा रहा है। तो एनासिन खा लो। और फौज अंदर, मजाक छोड़ो, तुम्हें तो मालूम है मुझे बेटी की आदत है, और यहाँ अभी तक चाय का नामो निशान नहीं। मैंने आज आपके लिए स्पेशल चाय बनाई है, ऐसी चाय आपने जिंदगी में नहीं पी होगी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे घर में सब क्या नमक का काढ़ा पीते हैं? ओ, लगता है उसने फिर वही हरकत की, बहुत शरारती है ना। तुम लोगों ने उसे सर पे चढ़ा रखा है, लेकिन ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसी हरकत उसने मेरे साथ की तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सब शरारतें भूल जाएंगे। ओहो, अब थूक भी दो ना ये गुस्सा।
मैं उसकी तरफ से माफी मांग लेता हूँ। ये अच्छा रिवाज है तुम बहन भाइयों का, वो शरारतें करती रहे और तुम लोग माफी मांगते रहो। अब बस करो ना चंदा, मैं दूसरी चाय भिजवा देता हूँ ना तुम्हारे लिए। आई मीन देयर नथिंग टू बी सो हेड अप अबाउट, कूल इट। लो 10 बज गए, आज मैं फिर लेट ही पहुंचूंगा। नाउ कूल इट, डोंट गेट एंग्री। सर, यस, आपकी तनख्वाह सर। ओ, आपको आपकी पहली तनख्वाह मुबारक हो सर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। केतन, आशा, चंदा, भाभी। अरे चंदा कहाँ है सब लोग? भैया क्या ये सब आ गए? जरा एक मिनट पकड़ लो ना। आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है, इसलिए तुम्हारे लिए ये पंजाबी सूट। ओ मेरे अच्छे भैया। अरे केतन, तू क्यों मुंह लटकाए खड़ा है? अरे तेरे लिए भी लाया हूं, ये रहा तेरी पैंट और शर्ट, खोल के देख ले। ये अच्छा, आप सब लोग आंखें बंद करो, जल्दी आंखें बंद सब लोग। एवरीबॉडी शट द आईज प्लीज, थैंक यू। अब सब लोग आंखें खोलो, एवरीबॉडी ओपन द आईज प्लीज। भाभी क्या लग रही हैं आप, वाह। अरे भाभी, अगर इस साड़ी में तुमको स्वर्ग की अप्सरा भी देख लेना तो वो भी जल के खाक हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। और एक खुशखबरी, और एक खुशखबरी। हाँ? भैया इतने सालों में रिटायर तो नहीं हुए, लेकिन हाँ आज 5 साल के बाद उनका कोट जरूर रिटायर हुआ है, इसलिए ये रहा भैया का नया कोट। तालियां। आउट ऑफ लक। भैया तुम छोटी भाभी के लिए कुछ भी नहीं लाए? चंदर, ये तो तूने बहुत बुरा किया, बहू के लिए कुछ नहीं लाया, ये साड़ी तो उसी को दे। नहीं 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 भाभी, मैं मना लूंगा उसे। नाराज हो? अरे तुम्हें किस चीज की कमी है? दुनिया भर की नेमते तो तुम्हारे कदम चूमती, बस कमी है तो सिर्फ चांद सितारों की, जो मैं तोड़ के ला नहीं सकता। मैंने कब तुमसे चांद सितारे मांगे थे? हर पत्नी की ये तमन्ना होती है कि उसका पति अपनी कमाई में से उसे कुछ उपहार ला कर दे। आज अगर तुम मुझे एक फूल भी ला देते तो मैं समझती दुनिया भर की दौलत दे दी तुमने मुझे। मगर तुम तो ये भी भूल गए कि आज मेरा जन्मदिन है। भाभी आपकी माता जी आई हैं, वहां रखो। जी मालकिन। मां, जन्मदिन मुबारक हो बेटी। थैंक यू मामा। अरे बहू, तुमने हमें क्यों नहीं बताया, वरना हम मना देते तुम्हारा जन्मदिन। आपने मनाया या मैंने, एक ही बात है। ले बेटी ये 20,000 रुपए। 20,000? हाँ, मैं आप लोगों की हालत जानती हूँ, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, यहाँ भी उसी तरह मनाया जाना चाहिए जिस धूमधाम से हर साल मैं मनाती हूँ। बेटी तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो खरीद लेना। चंदा ये पैसे वापस कर दो। चंदा क्यों? हाँ जी, आप ये पैसे देकर हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं। ये पैसे लीजिए और अगर अपनी बेटी से मिल लिया हो तो चले जाइए यहां से, लीजिए। चंदर। भाभी, चंदर भैया ठीक कह रहे हैं, अगर ये अमीर हैं तो होंगे अपने घर पे, हमारे घर में आके अमेरिका रुबाब जमाने की कोई जरूरत नहीं। ना तो मैंने आप लोगों के गरीबी का मजाक उड़ाया है, ना अपने अमेरिका रुबाब जमाया है। मैं तो अपनी बेटी को पैसे दे रही थी इसलिए कि मेरी बेटी खुले खर्चे की आदी है। मां जी, हमारा ये घर प्यार और ममता का स्वर्ग है, और अगर आपको इस घर में गरीबी दिखाई देती है तो ले जाइए अपने बेटी को अपने घर। केतन चुप कर। मैं तो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने आई थी,
अपनी बेइज्जती कराने नहीं। अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ, अब अपना भला बुरा खुद सोच लो। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। आज बहू का इस घर में पहला जन्मदिन है, कड़वा घूंट पी जाते, झगड़ा ना करते तो क्या जाता तुम लोगों का। भाभी, जन्मदिन तो हम अब भी मनाएंगे, लेकिन अपने ढंग से है केतन, क्यों? पहले जाके बहू को मना लो, रो रही होगी बेचारी। रोने दो भाभी, सेहत के लिए अच्छा होता है। फिलहाल मैं उसके लिए केक लेके आता हूँ, ठीक है? भाभी कहाँ जा रही हो? हम तो आपका जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। चंदर भैया केक लेने गए हैं, बड़ी भाभी खीर पूड़ी पका रही है। अब छोड़ो भी ये गुस्सा भाभी, लगता है आप मुझसे भी नाराज हैं। मैं कसम खाती हूँ भाभी, अब कभी भी आपसे शरारती नहीं करूंगी, कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी भाभी, मान जाओ ना। मैं चंदर भैया और केतन भैया की तरफ से भी माफी मांगती हूँ। बहन गलती करती है तो भाई माफी मांग लेता है, और अगर भाई गलती करते हैं तो बहन आ जाती माफी मांगने। भाभी हट जा। सुनो तो सही भाभी, प्लीज भाभी। जाने दे मुझे। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरा रास्ता। नहीं, जब तक भैया नहीं आ जाते आप नहीं जा सकती। भाभी तुमने आशा पर हाथ उठाया, उसे मारा जिसे हमने आज तक फूल भी नहीं मारा। अरे बड़ी भाभी ने हम बच्चों को माँ का प्यार दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, अरे हाथ उठाने की बात तो दूर रही, हमको घूर तक के नहीं देखा। वो क्यों हाथ उठाने लगी? तुम सब उसके आज्ञाकारी जो हो, वो जो कहती है तुम लोग करते हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसको, मुँह पर प्यार जताती है और पीठ पीछे छुरिया चलाती है। भाभी मेरे बर्दाश्त की ये इंतहा है। अरे बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ, अपने तेवरों से मेरी बेइज्जती कराकर ठंड पड़ गई होगी उस कुट्टी के कलेजे। भाभी केतन, ये क्या किया भागे? अपनी भाभी पे हाथ उठाया? रहने दो ये हमदर्दी, तुम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, मुझे मार डालना चाहते हो, मेरी जान लेना चाहते हो। चंदा क्या हुआ जो आसमान सर पर उठा रखा? मुझसे क्या पूछते हो? पूछो अपने इस भाई से जिसने मुझ पर हाथ उठाया। तुम मुझे ब्याह कर लाए हो, खरीद कर नहीं, जो यहाँ पर मेरे साथ नौकरानी से भी बुरा सलूक किया जा रहा है। केतन, तूने चंदा पे हाथ उठाया? हाँ, क्योंकि उसने आशा को मारा। तो क्या हुआ? चंदा उसकी भाभी है, उम्र में भी बड़ी है, लेकिन तेरा क्या हक बनता है उसे थप्पड़ मारने का? तो इसका क्या हक बनता है बड़ी भाभी के लिए अनाप शनाप बकने का? तो भाभी मारती, तूने क्यों मारा? चल माफी मांग। देखो भैया, मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ गलत काम किया है, मैं माफी मांगने वाला नहीं हूँ। इनको घर छोड़ के जाना है तो चली जाए, हमको इस घर में किसी भी घमंडी औरत की जरूरत नहीं है। केतन माफी मांग। नहीं मांगूंगा भैया मैं माफी। मैं कहता हूँ माफी मांग केतन। नहीं मांगूंगा माफी। मैं कहता हूँ माफी मांग। भैया माफी भगवान से मांगी जाती है, शैतान से नहीं। चंदर निकल जा इस घर के बाहर, यतीम कहीं का। बस चंदर बस, बहू इस घर में न पैसा है न माल मिल्कियत, अगर कुछ है तो बची कुची इज्जत है, उसे मिट्टी में मत मिलाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं भैया नहीं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि आप मेरे लिए किसी के सामने हाथ जोड़े। मैं जाता हूँ भैया। नहीं नहीं केतन, तुम नहीं जा सकते। भाभी तुमको मेरे सर की कसम, मुझे नहीं रोकना। केतन भाभी, तुमने इस अनाथ को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, इस काबिल किया कि मैं अपना पेट खुद पाल सकूं भाभी। अरे बस मुझे आशीर्वाद दो भाभी। Thank you.
हुआ बेगाना, याद रहेगा जीवन भर जो तुमने किया उपकार, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। जी चलो। कहाँ? बचाने। क्या बचा? किसका? बैंड का, मेरा मतलब है बैंड बजा। मैं नहीं बजाऊंगा। क्या? देखो ज्यादा नखरे नहीं करना, हाँ आज मेरे नाचने का मूड है। और तुम जानते हो क्या? जिस चीज का मुझे मूड आता है ना, मैं वही करती हूँ। अरे अरे भगवान, ला मैं बजा देता हूँ बाजा। अब आए ना मूड में, ये लो। भारी है, बहुत भारी है। बजाओ। कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से? अरे वहां से नहीं, यहाँ से, नीचे से। बजाओ। पहले कभी बजाया नहीं था ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला। क्या हुआ? कहाँ से आवाज है? पता नहीं। चलो बजाओ। जगे बाजा कैसे बजे, पड़ोसी जगे बाजा कैसे बजे, बाजा 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 हो राजा बाजा बाजा, पड़ोसी जगे बाजा कैसे बजे, पड़ोसी जगे बाजा कैसे बजे। चमके पड़ेगी तबले पे जब थाप चमके पड़ेगी, सारे मोहल्ले की धड़कन बढ़ेगी। तो क्या हुआ? बाजा 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 हो राजा बाजा बाजा, लगे न सुर बाजा।
बजे लगे न धुर बाजा कैसे बजे। जल्दी आओ। पिताजी ये क्या, ये कौन है? सवाल बाद में, पहले प्रणाम करो। शीला तुम भी अपने सास को प्रणाम करो। क्या? हाँ, हम दोनों ने गंधर्व विवाह किया है। पिताजी आपने तो हमारी नाक कटवा दी। तो पहले भी कौन सी लंबी थी? लेकिन आपको इस उम्र में ये क्या सूझी? ये सूझी नहीं है, सूझी है। और अपनी माँ के सामने अपने बाप की तौहीन करता है पिताजी। क्या? अरे भड़कता क्यों है? ये बेचारी दुखी विधवा है। अनाथ आश्रम जा रही थी 2 लाख रुपए दान देकर एक बच्चा गोद लेने के लिए। मैंने कहा 2 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं तुम्हें बच्चा दे देता हूँ। पिताजी आप मुझे बेचना चाहते हैं? तेरे को आठ आने नहीं देगा, 2 लाख रुपए कौन देगा तेरे को? और मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ कि इनकी गोद में एक बच्चा नहीं डाल सकता। लेकिन ये यहाँ नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं। क्या हुआ, मैं भी आ रहा तो मेरी बीवी भी आ रही है। बीवी को लगाया तो छोड़ो, सूजी छोड़ो, सूजी अरे छोड़ दो मेरी बीवी को। जल्दी आओ, बुढ़ा बहुत उछल रहा है, जल्दी आओ। शीला शीला पिताजी, पिताजी पिताजी आपको शर्म आनी चाहिए। काय को शर्म आनी चाहिए? मेरे 20 रुपए का नुकसान हो गया मालूम? पहले मैं उसको होटल लेके गया। क्या? चाय पीने के वास्ते। उसके बाद मंदिर लेके गया, फूल खरीदा, हार पहनाया उसको, उसके बाद ऑटो रिक्शा में बैठा के यहाँ लेकर आया। वो 20 रुपए तेरा बाप भरेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ तुम तो बोलोगी पत्नी के बिछड़ने का दुख क्या होता, कोई मेरे दिल से पूछे। आपको पत्नी के बिछड़ने का दुख नहीं, 2 लाख रुपए का दुख है। हाँ तो 2 लाख रुपए को पत्नी से कम होता है क्या पिताजी? चलो बाद अभी 20 दिन तक ये घर में खाना नहीं पकेगा, मैं तो फूल ही खाऊंगा। कितना कड़वा फूल है। हाँ वो तो ठीक है। नहीं भैया, नहीं भैया। अरे कहने का मतलब। अमर प्रणाम। बड़े भैया जीते रहो बेटे, कब आए अमेरिका से? आज ही आया। शादी मुबारक हो चंदर। थैंक यू अमर। और कैसी चल रही तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? मैं क्या बताऊं, शादी कर लोगे अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा अमर तुम अंदर जाओ। अच्छा भैया आइए। ये लिस्ट बनिया के पास ले जा और कहना सामान भिजवाए। जी अच्छा। और हाँ सुन, कहना बारीक वाले चावल। अच्छा।
अमर अरे पाई लगे। जीते रहो। कब आए अमरीका से? आज ही आए भाभी। वहां जाकर तो बिल्कुल अंग्रेज बन गए। मगर दिल हिंदुस्तानी है भाभी। भाभी वो केतन नजर नहीं आ रहा। बात क्या है भाभी? वो घर छोड़कर चला गया। ये क्या है? ये नए कपड़े कहाँ से लाए? सोचे मुझे पैसे चुराता है क्या तू? पिताजी आप तो नपतुला सौदा मंगवाते हैं और इन्हें किने पैसे देते हैं। मुझे देख के वो बनिया के माथे पे सौ सौ पल बढ़ जाते हैं। वो तो उसका एहसान है कि वो मुझे सौदा दे देता है। अरे वो तो हमारा एहसान है कि मुझसे सौदा मंगाते हैं। चोरी करके लाए क्या सब? मैंने चोरी नहीं की है। वो अमर लाया अमेरिका से सामान। अमर आया है? कागज के साथ खा रहे हैं। अरे अमेरिका का कागज भी मीठा होता है। पिताजी खबरदार पिताजी किसी भी बैग को हाथ मार लगाना। इन सामानों की मैं पहरेदारी कर रहा हूँ। एक भी चीज इधर की उधर होगी तो चोरी का इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। तो ये मेरे को चोर बोला? मैंने कब चोर? मेरे को तू चोर लगता है? सामान की पहरेदारी मैं करूंगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ पिताजी। कितना है? थोड़ा सा हूँ। इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो घास के रखवाली पे घोड़े को खड़ा कर दूं। घोड़ा? तूने मेरे घोड़ा बोला? मैंने घोड़ा कब बोला? मेरे घोड़ा बोला? मैंने घोड़ा नहीं बोला। मैं गधे की औलाद। पिताजी आप सच कह रहे? मैं गधे की औलाद हूँ। मुझे आज ही पता चला मैं गधे की औलाद हूँ। ये गधे का एड्रेस है क्या आपके पास? अमर कहाँ है? अमर गधे के धनराज भैया के घर गए। उन गधों के नहीं, उन फकीरों के करने गए। अब वो गधे फकीर नहीं रहे पिताजी। अब वो बड़े गधे बड़े आदमी बन गए हैं। गधा है? नहीं कमाल है। करोड़पति खानदान की इकलौती गधी इकलौती बेटी बहू बन के आई है उनके घर में। और चंदर भी 5,000 रुपए महीना कमाता है। मुझे उन गधों से? तू कितना गधा गधा बोल रहा है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हैं। मुझे उन बातों से क्या लेना देना? लेना देना है पिताजी, अपना अमर धनराज भैया की बहन आशा को पसंद करता है। वो लोग भी अमर को बहुत चाहते हैं। आशा उनकी इकलौती बहन है। शादी में जी खोल के माल देंगे। और करोड़पति बहू भी अपनी ननद की शादी में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। आप जल्दी से रिश्ता मांगने पहुंच जाइए पिताजी, कहीं ऐसा ना हो कि खजाने के इस नक्शे पे कोई दूसरा हाथ फेर ले। फिर मैं कोई इतना गधा थोड़ी हूँ। तो कितने हैं? तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? झाड़ू 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 ले, झाड़ू मार। ये पुराना झाड़ू कहाँ से लाए? सड़क पे उठा के लाया हूँ। कचरा नहीं उठा लाए रास्ते? तेरे होते हुए कचरे की क्या जरूरत? भाभी भैया भैया आज आप काम पे नहीं गए? अरे तुम ही तो कह रहे थे कि तुम रिटायर हो जाओ, तो ऑफिस वालों ने मुझे रिटायर कर दिया। बहुत अच्छा हुआ ये भैया, सच्ची बहुत अच्छा हुआ ये। क्या बात है चंदर? भाभी ये मेरी इस महीने की तनख्वाह। सुनिए मुझे भी 500 रुपए चाहिए। तू सारे पैसे रख ले बहू, अब घर भी तो तुझे ही चलाना है। नहीं भाभी, घर तुम संभालती आई हो इसलिए तुम ही संभालोगी। अरे भाई अब तो तुम लोग अपनी भाभी को गिरस्ती से छुट्टी दे दो ताकि हमारा भी कुछ ख्याल करे। धनराज सेठ दादाजी, ये आपकी बहू चंदा। नमस्ते। कैसे बेटे? नमस्ते लाला। नमस्ते। अरे ये क्या जूते आपने बगल में दबा के रखे हैं? पहनने से घर जाते हैं ना, बाप दादा की निशानियां क्यों खराब करें। अच्छा अच्छा, आइए आइए बैठिए बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? जी वो जमाना उल्टा हो गया है ना, वरना आपको हमारे आना पड़ता। पहले लड़की वाले जाया करते थे, अब लड़के वालों को आना पड़ता है। मैं क्या कह रहा हूँ मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप? जी हाँ समझ गया लाला जी, बिल्कुल समझ गया। तो फिर रिश्ता पक्का कर डालिए ना। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही है लाला जी। आशा आप सयानी हो गई है, अब ये बोझ भी सर से उतर जाए। अरे अब कैसा बोझ, सुना है चंद्र 5,000 रुपया महीना कमाता है। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है लाला जी। और बहू भी तो बड़े घराने की है, कम से कम करोड़पति तो होंगे ना? जी हाँ, उनका काफी लंबा चौड़ा कारोबार है। और शादी पे भी काफी खर्च किया होगा। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर आदमी खर्च करता है लाला जी। हाँ और हमारी भी तो एक ही बहन है,
हम अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ तो करेंगे। जाहिर बात है, और आपकी हैसियत किसी से कम थोड़ी है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छा, पंडित जी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के शादी की तैयारियां शुरू करवा देता हूँ। अच्छा। चाय पानी तो पीते जाइए लाला जी, अब तो रिश्तेदारी हो गई, चाय पानी भी पीते रहेंगे। माफ करना, आपके दिल में जितने अरमान है वो शादी वाले दिन निकाल लीजिएगा ना। अपू, चाय वाय पीकर जाइए, शाम का घर का नाश्ता बच जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। क्या हो? नमस्ते। क्यों हुआ? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, निकल। मैं कुछ निकल, निकल। ठीक किया ना मैंने चंदर? हाँ भैया, बहुत अच्छा किया, अमर बहुत अच्छा लड़का है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन शादी का इंतजाम कैसे होगा? अरे शादी है, नाक तो रखनी ही पड़ेगी। सब हो जाएगा भैया, गहने तुम वही डाल देंगे जो आपने मुझको दिए थे। अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? चंदा ठीक कहती है भैया, बाकी के ऊपर का इंतजाम भी हो जाएगा, अब आप सिर्फ शादी की तैयारी कीजिए बस। जैसे तुम लोगों ने मेरी माँ को बेइज्जत किया था, वैसे मैंने भी भरी सभा में तुम लोगों की पगड़ी नहीं उछाली तो मेरा नाम चंदा नहीं। अब दूल्हे राजा हमारी रानी बिटिया को ले जाएंगे और हमारा आंगन सोना हो जाएगा। भाभी, भाभी आशा को दूल्हा बहुत बदमाश है, हमें सहरे में से घूर रहा था। अरे सालियों को नहीं घूरेगा तो और किसको घूरेगा? अरे साली तो आधी घरवाली होती है। कन्या को बुलाइए। सावित्री, सावित्री जाओ, आशा को ले आओ। बस बहु गहने ले आए इतनी देर? अरे तुम ही जाओ ना, जाके गहने ले आओ। बहु दीदी, क्या बात है दीदी? वो गहने, ओह मैं तो भूल गई, अभी देती हूँ। गहने नजर नहीं आ रहे। क्या, ठीक से देखो बहू, यही होनी चाहिए। होने तो यही चाहिए, कबर तो एक ही है। दीदी लगता है गहने चोरी हो गए। गहने चोरी हो गए? सावित्री कह रही थी गहने चोरी हो गए। भगवान, यह दिन देखने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा था। अगर इस मौके पर इज्जत गई तो मैं जहर खा लूंगी। दीदी रो मत बहू, लेकिन अब क्या होगा? दीदी हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। और नहीं बहू, भारत सर पे खड़ी है, घर की इज्जत का सवाल है। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं अपनी माँ के यहां से गहने ले आऊं। मैं अभी आई। नहीं चंदा, नहीं, गहने नहीं है तो क्या हुआ? हमारी हमारी बहन ऐसी जाएगी। झाड़ू फिरा हुआ, एक भी जेवर नहीं।
ओ पंडित, बंद करो तुम्हारा ये अंतर मंत्र तंत्र। क्या बात है लाला जी? धनराज जी, आपके घर में कोई मरवर गया है क्या? किसी के चेहरे पर रौनक नहीं है और बहू के तन पे गहने नहीं है, क्या बात है? बात यह है श्यामलाल जी कि गहने थे लेकिन वो चोरी हो गए। ओ, चोरी हो गए हैं? आज ही के दिन चोरी होने थे? लेकिन लाला जी, हम सच बोल रहे हैं। भगवान की कसम, गहने चोरी हो गए। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मुझे गहने ही चाहिए? मैं 1,00,000 रुपए नकद दे दीजिए। इतना सारा नकद कहाँ से आएगा हमारे घर में लाला जी? तो फिर बैठा अपनी बहन को अपने घर में। हाँ नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने कुछ नहीं बोला होगा। मैंने कोई आपकी इज्जत का ठेका ले रखा है, और अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था तो अपनी बहन की शादी का पूरा इंतजाम करके रखना चाहिए था। आपने भी तो अपने भाई की शादी करवाई थी ना, खूब जी भर के जायज लिया होगा। वाह, लेते वक्त तो लोग हाथ फैला के लेते हैं और जब देने की बारी आती है तो हाथ पीछे कर लेते हैं। वाह, चलो डोडो, ये शादी नहीं हो सकती। नहीं लाला जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी होगी पिताजी, मुझे दहेज नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। मैंने जो तेरे ऊपर पैसा खर्चा किया है वो तेरा बाप देगा क्या? तू चुप रह, चल घर चल। पिताजी, मैं यहाँ से 7 फेरे लेकर ही जाऊंगा। अरे मैं देखता हूँ तू कैसे लेता है 7 फेरे। इन फकीरों से रिश्ता जोड़ने के बाद तेरा सत्यानाश हो जाएगा, याद रखना। चाहे जो भी हो महाराज, तुम मंत्र पढ़ो। नहीं अमर, माँ बाप के मर्जी के बगैर की हुई शादी शादी नहीं होती। हाँ सुना, चल चल, बड़ा आया शादी करने वाला, तू चुप रह। चलो दिन रात देखे मन एक सपना, जब तेरी बारात आएगी अंगना। हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, चांद तारों से डोली सजाएगा मेरी बहना। ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ये आपने ठीक नहीं किया पिताजी। तो तू क्या चाहता है कि मैं भूखे नंगों की बेटी को अपनी बहू बना के ले आता तुझे? आपके पास किस चीज की कमी है? करोड़पति बहू है उनकी, अगर वो उससे कहते तो अपनी माँ के घर से 1 नहीं 10 लाख लेकर आ सकती थी। बहुत स्वाभिमानी लोग हैं पिताजी, मर जाएंगे लेकिन अपने संबंधियों के घर से 1 पाई नहीं लेंगे। तू बेटा मेरा गुण उनके करा, तू चुप रह। मैंने क्या किया? यही तो बदकिस्मती है कि मैं आपका बेटा हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं आपके कहने से मंडप पर से उठा था। मैंने धनराज भैया की आज्ञा का पालन किया है और अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, कमाऊंगा और गाजे बाजे के साथ आशा को ब्याह कर लाऊंगा। मतलब एक लड़की के लिए तू बाप का घर छोड़ के जाएगा? कौन बाप, कैसा बाप? आपके लिए तो माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी सब पैसा है। और अब संभाल कर रखिए अपने पैसों को। रोकिए रोकिए पिताजी, आपके 4 लाख रूपये जा रहे हैं। बीड़ी क्या पड़ो सोना, तो माचिस मांगेला घर की नहीं चलेगी। नहीं कैसा कलयुग आया है बहन, घर में जवान लड़की को बिठाकर खुद महारानियों की तरह 16 सिंगार किए घूमती रहती हैं। बेशर्मी की हद होती है बहन, वरना 12 दरवाजे से लौट जाए तो लोग डूब के मर जाते हैं। बेटी हो तब ना, बहनों के लिए कभी भाभियां मरी हैं? सौ चूहे खा के बिल्ली चली हज को। सुना है गहने चोरी हो गए। चोरी का तो बहाना है, घर में छिपा रखे होंगे। भाइयों को भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया? अरे इज्जत गई तो क्या हुआ, गहने तो बच गए। और जो लड़की घर में बिठा के रखी है उसका क्या होगा?
अरे होगा क्या, मुंह काला करके भाग जाएगी किसी के साथ, नहीं तो बांध लेंगे किसी लंगड़े लूले के पल्ले। अरे चंदन, तू कहाँ जा रहा है? मैं ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहा हूँ भाभी। कब तक लौटोगे? यही कुछ 15-20 दिन में। अपना ख्याल रखना। हाँ भाभी। जीते रहो। सुनिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। घूमने फिरने नहीं जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं आ जाऊंगा। अब लोगों के ताने सुने नहीं जाते, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जिधर से गुजरते हैं लोग उंगलियां उठाते। अरे ये तो दुनिया की आदत है सावित्री, उन्होंने तो सीता माता और भगवान राम पर भी उंगलियां उठाई थी। हम तुम क्या चीज हैं? भगवान पर भरोसा रखो सावित्री। अब तो मेरा भगवान पर से भी भरोसा उठ गया। सावित्री, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ लड़की का बोझ होता है, और जवान लड़की तो एक जीती जागती चिता है। आशा, आशा, सुना आपने, आशा घर छोड़कर चली गई है। क्या लिखा है? आत्महत्या करने जा रही है। नहीं, सोच क्या रहे हैं आप, जाइए उसे ढूंढ लाइए। सी मुसीबत आन पड़ी जिसने तुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया? ये पूछो केतन भैया, कौन सी मुसीबत बिजली बंद कर नहीं टूटी हमारे यहाँ? तुम घर छोड़कर चले आए, मेरी बारात लौट गई, ताने मार मार कर मोहल्ले वालों ने भैया भाभी का जीना दुश्वार कर दिया था। अरे पगली, तूने ये नहीं सोचा कि तेरे बारात के लौट जाने पर जो लोग हंसते थे ताने मारते थे, वो तेरे इस तरह मर जाने पर भैया भाभी को किस तरह जीने देंगे? भैया, मेरी बहन, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान बहुत बड़ा है, चल चल घर चल, चल। कुछ पता चला आशा का? नहीं। ये सब गहनों की वजह से हुआ। इसमें किसी का दोष नहीं है सावित्री, दोष हमारी तकदीर का है। तकदीर को दोष क्यों देते हैं आप? दोष तो छोटी बहू का है, हमारे घर से आज तक एक सुई नहीं गई, तो फिर इतने सारे गहने क्या जमीन खा गई? अगर छोटी बहू गहने संभाल के रखती तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। हाँ हाँ, मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा, लेकिन एक बात मत भूलिए, मैं भिखारियों के घर से नहीं आई हूँ,
इतने सारे गहने तुम अपने नौकरों की शादियों में दे देते हैं और आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी यहाँ पे, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ठहरो बहू, अगर तुम घर छोड़ के चली गई तो लोग क्या कहेंगे? मैं अपने मायके जा रही हूँ, आपकी बहन की तरह कहीं मुंह काला करने नहीं जा रही जो लोगों को कुछ कहने का मौका मिले। बहू चिल्लाइए मत, मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कहने आप लोगों ने छुपा लिए हो और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? रहम कीजिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अरे रहम ही तो कर रहा हूँ, इसीलिए तो तुम्हें ये बिस्तर दे दिया कि कहीं फुटपाथ पर नहीं सोना पड़े बिना बिस्तर के। क्यों वकील साहब? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेठ जी, कुर्की के मुताबिक सुई की नोक भी नहीं लेके जानी चाहिए यहाँ से। सेठ जी कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, चंद्र बाहर गया हुआ, उसके आते ही हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। अरे उन्हीं के भरोसे पे तो मैंने तुमको कर्जा दिया था, मुद्दल की तो छोड़ो ब्याज भी नहीं भेजा। आजकल के बाबू लोगों का क्या भरोसा जी, अपना ही खर्चा पूरा नहीं होता तो कर्जा क्या चुकाएंगे। अरे चलो निकलो यहाँ से, ताला लगाने का मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो यहाँ से चलो। आओ वकील साहब आओ। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। चंद्र बाबू कहाँ गए थे? आपका घर तो नीलाम हो गया। नीलाम हो गया? लेकिन मेरे भैया और भाभी कहाँ हैं? वो तो भगवान जाने कहाँ गए होंगे, उनको तो उसी दिन यहाँ से निकाल दिया गया। तुम्हारी बहन घर से भाग गई, उसका गुस्सा तुम्हारे भैया और भाभी ने मुझ पर निकाला, मुझे घर से निकाल दिया। क्या बात कर रही हो चंदा, मेरे भैया और भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं कोई सती सीता तो हूँ नहीं जो अग्नि परीक्षा देकर तुमको विश्वास दिलाऊं। अग्नि परीक्षा तो मेरे भैया और भाभी की हो रही होगी, पता नहीं बेघर होकर कहां कहां भटक रहे होंगे, किस हाल में होंगे। ये लीजिए दवाई पी लीजिए। जिस दिए की बात ही खत्म हो रही है सावित्री, उसमें तेल डालकर उसे कब तक जलाए रखोगी? ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे जीवन का उजाला है, अब ज्यादा मत भूलिए, दवाई पी लीजिए। सावित्री तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? सावित्री आप हैं तो और बन जाएगा, पी लीजिए ना दवाई। Thank you.
आशा हे चुटकी, देख मैं 3 राखियां लाया हूं, एक बड़े भैया के लिए, एक चंद्र भैया के लिए और एक मेरे लिए। अब तू जल्दी से तैयार हो जा, हमें भैया भाभी के पास पहुंचना है और मैं तुम्हारी आज एक नहीं सुनूंगा, चल। अरे फिर रोना धोना शुरू। अरे आज राखी है, इस शुभ अवसर पर भैया भाभी तुझे जरूर माफ कर देंगे। ये बात नहीं है केतन भैया। तो फिर क्या बात है? आज मुझे रामू काका मिले थे, उन्होंने बताया भैया और भाभी न जाने कहाँ चले गए। क्या? हाँ, अब वो लोग वहाँ नहीं रहते। तो उस औरत ने भैया भाभी को भी घर से निकाल दिया। भैया, समय की पतझड़ में हमारी बगिया उजड़ गई, सारे फूल बिखर गए। अरे अरे पगली, फूल सिर्फ बिखरे हैं, मुरझाए नहीं। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो लीजिए, खाना खा लीजिए। अरे तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, फिर ये खाना कहाँ से लाई? आपने सुना नहीं, भगवान भूखा उठाता है लेकिन कभी भूखा सुलाता नहीं। ये समझ लीजिए भगवान के घर से प्रसाद मिला है। प्रसाद? तो क्या अब हमें भीख मांगकर पेट भरना पड़ेगा? जब दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है तो कौन दानी और कौन भिखारी। खा लीजिए ना, 3 दिन से आपने कुछ खाया नहीं। ना जाने कहां से भीख मांगे साले चले आते हैं दरवाजे पर। गाली मत दीजिए सेठ जी, हम लोग भिखारी नहीं है। मुझसे जबान लड़ाता है, चला जाए यहां से, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। सालों ने धर्मशाला समझ रखा है। चोट तो नहीं आई सावित्री? इनमें से किसी भी दाने पर हमारा नाम नहीं लिखा था। चलो क्या बात है, क्या हुआ? कमबख्त तो मर रहे तो कहीं और जाके मरो, पता नहीं कहां से चले आते। अब चला नहीं जाता, चक्कर आ रहा है। आप यहां बैठ जाइए और थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। बैठ जाइए, मैं अभी आऊंगी। क्या चाहिए? बहन जी, मेरे पति 3 दिन से भूखे हैं, अगर आप मुझे कोई काम दे तो बहुत मेहरबानी होगी। तुम्हारी जमानत देने वाला कोई है यहाँ? मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। तो फिर मैं मजबूर हूँ। माफ करना, बिना जान पहचान के हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। सुनिए बहन जी, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। 3 दिन से मेरे पति भूखे, बदले में मैं आपका सब काम कर दूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन मांझूंगी, आप जो कहेंगे करूंगी। सब यही कहती हैं, तरस खाकर तुम लोगों को नौकरी दे दो, घर का सफाया करके चली जाती हो। जाओ जाओ, कहीं और जाओ। सुनिए
भाभी 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 ये मैं क्या देख रहा हूं भाभी, ये जिन हाथों ने जिंदगी भर सिर्फ दिया वो हाथ आज औरों के सामने फैले हुए। नहीं भाभी नहीं भाभी, अरे इन हाथों पर मेहनत के छाले देखकर कभी इतना दुख नहीं हुआ था जितना ये भीख देखकर हुआ भाभी। और मैं क्या करती कि तो मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था, 3 दिन से तुम्हारे भैया भूखे पड़े। भैया कहाँ है भाभी, कहाँ है भैया? चल नाश्ता बजा रहा हूँ, नाश्ता लाया हूँ। रख दो। कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ, शादी में जा रही हूँ। शादी में? इतने सारे गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? फिर टोक दिया ना? नहीं। तुम्हें इसे क्या लेना देना? मुझे कुछ लेना इसे कुछ लेना देना नहीं है, मगर मुझे तो लेना देना है कि नहीं। वो क्या है कि तुम इतने सारे गहने पहन के शादी में जाओगी तो चोर उसे के पीछे पड़ जाएंगे। तुम एक काम करो, नकली जेवर पहन के जाओ, मैं इनको सवाल करता हूं। पिताजी, ये गहने मेरे नहीं है। फिर किसके? चंदा के हैं, उसने मेरे पास रखने के लिए दिए हैं। चंदा ने? भगवान की कसम, गहने चोरी हो गए। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मुझे गहने ही चाहिए। मैं 1,00,000 रुपए नकद दे दीजिए। इतना सारा नकद कहाँ से आएगा हमारे घर में लाला जी? तो फिर बैठा अपनी बहन को अपने घर में। हाँ चलो उठो, ये शादी नहीं हो सकती। नहीं नहीं लाला जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, ऐसा मत। नहीं 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 नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। इसका मतलब गहने चोरी नहीं हुए थे, चंदा ने तुम्हारे पास छुपा रखे थे। लाओ मैं इसे वापस। हाथ नहीं लगाना, वरना तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। हाँ मेरे हाथ तोड़ दूंगी? हाथ क्या, सर भी तोड़ दूंगी। तुम्हारी ही मजाक, मेरी मजाक देखना चाहती हो? मेरे हाथ तोड़ दूंगी, मेरे पैर तोड़ दूंगी, मेरे हाथ तोड़ दूंगी। कौन किसके पैर तोड़ता है? मेरे हाथ तोड़ दूंगी, मेरे पैर तोड़ दूंगी। बहुत संख्या है, मेरी मजाक देखना चाहती हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, फिर मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आज तुझे एहसास हुआ? अरे जो औरत स्त्री धर्म निभाना नहीं जानती उसे भगवान नरक में भी जगह नहीं देता। छोड़ो मुझे। पिताजी लाइए ये डब्बा। तू चुप रह। मैं चुप नहीं रहूंगा। पैसों के हवस ने आपको इतना गिरा दिया कि आज दूसरे की अमानत भी हड़प करने को तैयार हो गए। ये डब्बा मुझे दीजिए, वरना आज मेरा हाथ आप पर भी उठ जाएगा। तू मुझे मारेगा? हां।
ये ले। लेकिन ये गहने तो चोरी हो गए थे, फिर तुम्हारे पास कहां से आ गए? चोरी नहीं हुए थे, चंदा भाभी ने मेरी बीवी के पास रख दिए, मुझे भी आज ही पता चला। और जैसे पता चला मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने आया हूं। इन गहनों को रखकर मेरी बीवी ने जो गलती की है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। चंदा डाली, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज लाई हूं। अच्छा, जरा आंखें बंद करो। बहुत देर तक आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन आज जब आंखें खुली तो तुम्हारा असली रूप नजर आया। तुम्हें क्या हो गया है चंदर? क्या हो गया है? ये देखो। खोलो, मैं कह रहा हूं खोलो इसे। गहने? हाँ, वही गहने जो चोरी हो गए थे। क्यों, चोरी की चीज बरामद होने पे खुशी नहीं हुई तुम्हें? चंदर, खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लिया तो। आज तक मैं ये समझता था कि तुम गुस्ताख हो, मगरूर हो, लेकिन आज पता चला तुम मक्कार भी हो। चलो सवाल अपने गैरों को और सांप की तरह कुंडली मारकर बैठो इन पर, ताकि कोई इन गैरों को छू न सके। चंदर, चंदर मुझे माफ कर दो, मुझ में लाख बुराइयां सही, फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पत्नी? कैसी पत्नी है? जिस लड़की की जिंदगी तुमने बर्बाद की जानती हो वो कौन थी? तेरे पति की छोटी बहन, जिसे तुमने घर से बेइज्जत करके निकलवाया जानती हो वो कौन था? तेरे पति का छोटा भाई, और भरी सभा में जिनका सर तुमने नीचा करवाया जानती हो वो कौन था? तेरे पति के भैया और भाभी, अरे तूने तो अपने पति का एक एक अंग काट डाला, उस पर भी बीवी बनने का दावा करती हो? क्यों, शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छे से मैं तुम्हारे लिए मर गया। नहीं चंदर, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चंदर, चंदर, चंदर रुक जाओ प्लीज। चंदर, चंदर मुझे माफ कर दो। चंदर, देखिए इन्हें टीबी है, मेरे ख्याल से जल्दी किसी हॉस्पिटल में दाखिल करा दीजिए। कितने रुपए खर्च होंगे डॉक्टर साहब? यही कोई 1000-1500। सेठ जी, आपको मेरी ईमानदारी पर विश्वास है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल है। अगर शक होता तो मैं तुम्हें दूध क्यों देता? मगर तुमने ये सवाल किया क्यों? सेठ जी, मेरे भैया मेरे लिए पिता समान है, बदकिस्मती से उन्हें टीबी हो गई, उनके इलाज के लिए 1000 रुपयों की जरूरत है। अगर वो 1000 रुपए आप मुझे दे दें तो। 1000? देखिए भगवान के लिए इनकार मत कीजिए, मैं अपने भैया की कसम खा के कहता हूं दिन रात मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे पगले, ये ले 1000, और जरूरत पड़े तो शर्माना नहीं, समझा? भैया का ठीक ठीक इलाज करवाना, ये ले। सेठी, इंसानी भगवान का रूप है ये आज मालूम पड़ा। चोर, चोर, चोर,
हरामजादे चोरी करता है। उठ मारो उसे, ले जा हरामजादे को पुलिस स्टेशन। अरे ये पैसे किसके हैं? मेरे हैं। केतन तुम? बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। केतन कौन है आप? मैं चंदर हूं केतन, तुम्हारा भाई। कौन भाई, कैसा भाई? अरे जो राम जैसे भाई और सीता जैसी भाभी का ना हो सका, जो सगी बहन का नहीं हो सका, उसका मुझे नाक से क्या रिश्ता? तुम्हारे सारे रिश्ते उस औरत से हैं जिसने तुम्हें खून के रिश्ते भी भुला दिए। जाओ उसकी गोद में सर रख कर सो जाओ। केतन उस औरत की असलियत मेरे सामने खुल गई है। मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे रिश्ता तोड़ के आ गया हूँ। भैया भाभी और आशा न जाने कहां चले गए, मैं पागलों की तरह दर बदर उन्हें ढूंढता फिर रहा हूं। केतन बहुत देर से ढूंढने निकले हो मेरे भाई। कुछ दिन पहले आते तो भाभी को सड़क पर भीख मांगते देखते, भैया को फुटपाथ पर एड़िया रगड़ते देखते, और आशा को किसी रेलवे लाइन पर खुदकुशी की कोशिश करते हुए देखते। खड़ा बच्चों की तरह रोता ही रहेगा, भैया भाभी से मिलेगा नहीं। केतन मेरे भाई, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए आप घबराइए मत, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके जल्दी कीजिए, डॉक्टर साहब को बुला दीजिए। हमारे भैया की तबीयत बहुत खराब है सिस्टर। वो किसी मरीज को देख रहे हैं, इंतजार कीजिए। डॉक्टर साहब। अमर। अरे चंद्र केतन तुम, क्या बात है? देखो भैया की तबीयत बहुत खराब है। कहाँ है भैया? जल्दी चलो प्लीज। हाँ चलो। चिंता की कोई बात नहीं, भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अमर, 3 नंबर वाले पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उसे जल्दी से खून देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, उसकी तबीयत। आप? किसकी तबीयत खराब है? चंद्र सीढ़ियों से गिर गई, बहुत खून बह गया है, वो बेहोश हो गई है, उसे खून की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब मेरा खून ले लीजिए। नहीं भाभी, कोई खून नहीं देगा, मरने दो उसे। उसकी वजह से आप और भैया को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी, आशा और केतन को घर छोड़ना पड़ा। ऐसी औरत से हमारा कोई संबंध नहीं है भाभी, बिल्कुल नहीं। चंदर, ये सब सुनने के लिए तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया, या इसलिए तुम्हें अच्छे संस्कार दिए कि तुम 7 फेरों का बंधन एक पल में तोड़ दो? देख अपनी भाभी को किस तरह से उस बंधन को निभा रही है। लेकिन भैया। चंदर कुछ भी हो, चंदा हमारे घर की लक्ष्मी है। अमर कुछ भी करो, मेरी बहू की जान बचाओ, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चाहो तो मेरा खून ले लो। डॉक्टर साहब मुझे विश्वास है मेरा खून उससे जरूर मिलेगा, मुझसे पहले मेरे घर की लक्ष्मी नहीं मर सकती। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे परिवार के बिखरे हुए मोतियों को फिर से मिला दिया। बस एक उपकार और कर दे प्रभु, मेरी बहू को बचा ले, चाहे बदले में मेरी जान ले ले। अब घबराने की कोई बात नहीं, अब ये खतरे से बाहर है।
भैया भैया डॉक्टर ने कहा है भाभी खतरे से बाहर है, मैं जाकर बड़े भैया को बताती हूँ। अरे सुन सुन, बड़े भैया छोटी भाभी को होश आ गया, अब वो खतरे से बाहर है। आखिर हमारी बड़ी भाभी का खून था ना, यमराज के हाथों से जान खींच लाया। भैया 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 आशा चले गए, बड़े भैया हम सबको छोड़कर चले गए। नहीं नहीं, अरे ऐसे कोई अपनों से रूठता है? भैया 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 भैया, मेरी जरा सी भूल के कारण आपने हमेशा के लिए मुझसे मुंह मोड़ लिया। खामोशी से सब कुछ सहते सहते सदा के लिए खामोश हो गए। एक मौत को रिझाने के लिए इतने सब अपनों को छोड़ गए। भाभी 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 मत रो मेरे बच्चों, तुम्हारे भैया ने तो सिर्फ शरीर त्यागा है लेकिन उनकी जान तो तुम हो। भाभी भाभी भाभी, मेरी असली कमाई तो तुम लोग हो। तुम लोग पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो मैं समझूंगा मैंने सब कुछ पा लिया। चंदर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? निकल जाओ यहां से। चंदर चंदर मेरी बात तो सुनो। चंदर तुम ऐसे नहीं मानने वाले, निकल जाओ। चंदर प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चंदर चंदर छोड़ दे बहू का हाथ। नहीं भाभी, मैं कहती हूं छोड़ दे बहू का हाथ। चल बहू घर के अंदर चल, मैं देखती हूँ मेरे होते हुए कौन तुझे इस घर से निकालता है। नहीं भाभी, ये हमारे घर में नहीं रह सकती है। तू कौन होता है ये फैसला करने वाला? अभी मैं जिंदा हूँ और ये हक तुझे मेरे मरने के बाद ही मिलेगा, मेरे जीते जी नहीं। नहीं भाभी, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। अगर ये तेरा आखिरी फैसला है तो ठीक है, लेकिन बहू इस घर से अकेली नहीं जाएगी। मैं भी जाऊंगी उसके साथ। चल बहू। भाभी तुम हमारे लिए सिर्फ भाभी नहीं हो, भैया हो, मां हो, और जिस घर में हमारी मां नहीं रहेगी हम विवाह नहीं रहेंगे। आओ भाभी। नहीं भाभी, तुम नहीं जा सकती। मैंने पिता समान भाई खो दिया, अब तुम्हें नहीं खो सकता भाभी, बिल्कुल नहीं खो सकता। भाभी भाभी नहीं भाभी, भाभी मुझे छोड़ के मत जाओ। भाभी तुम मेरी मां हो, भाभी अपनी ममता का साया मेरे सर से मत हटाओ। भाभी मुझे छोड़ के मत जाओ, भाभी मुझे छोड़ के मत जाओ। इस घर में तुम्हारा ही हुक्म चलेगा, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा भाभी, लेकिन भगवान के लिए मुझे छोड़ के मत जाओ भाभी, प्लीज। चलो भाभी आ जाइए, आ जाइए बापू, आइए 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 आइए।
शर्मा रहे हैं, शर्मा ही बताइए, ये आइए। श्यामलाल जी आप चुप क्यों हैं? आवाज बंद हो गई उनकी, बोलती बंद हो गई। तू चुप रह, बोलती बंद नहीं हुई है, पहले से ज्यादा खुल गई है, बुलंद हो गई। और बुलंद आवाज से कहता हूं कि मुझे मेरी बहू चाहिए। ये बुलंद आवाज है। हाँ, बिना जहेज के, और चाहिए आप लोगों जैसा हरा भरा घर द्वार। अमर अपने पिताजी से माफी मांगो। ए! माफी ये क्यों मांगे? माफी तो आपको मांगनी चाहिए। मुझे? और नहीं तो क्या? अरे मगर ये तो चुप रहिए। बेटा अपने बाप को माफ कर दे। मेरा अच्छा बेटा। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है मेरा घर द्वार।